दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, ये जो बोल्ट है ना, इस बोल्ट को इंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है? बहुत सारे प्लम्बर्स हमारे क्या करते हैं कि इस बोल्ट को फेंकते हैं और उसके बाद हम नॉर्मल जो गीजर बोल्ट होता है उसको हम ला के इस पे गीजर हैंग करता है। ये मैंने एक इंस्टॉल किया, ऑलरेडी मैंने ये किया, अब मैं दूसरा करने जा रहा हूं। मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों तक इसकी रियलिटी बताऊंगा। ये है फास्टनर नट, ये फास्टनर नट है और इसके अब से सामने ये पोजीशन है, इस पे हम गीजर को हैंग करते हैं, लटकाते हैं इस पे। तो इसके लिए आप लोगों को अगर ये वाला बोल्ट लगाना होगा कहीं पे तो स्टैंडर्ड कंपनीज के साथ इन साथ होता है, इंक्लूड गीजर के साथ होते हैं ये चीज। तो इसके लिए आपको सिंपल ये जो हैमर बिट है, ये हैमर बिट जो है ये आपको लाना है 16 mm का, 16 mm याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हैमर ड्रिल मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा करके कि हम कैसे काम कर सकते हैं। ये मैंने सुराग मैंने किया। इसका काम ये कैसे काम करता है, नॉर्मल जो हम बोल्ट ऊपर से ठोकते हैं वो अंदर से फंस खुल जाता है। तो इसको क्या कर रहे हैं कि जब हम इसको लगाते हैं ना, मैं आप लोगों को इसकी डिटेल आप थोड़ा सा दे दूंगा आप लोगों को कि आप लोग अगर ये लगाओगे तो इससे क्या फायदा है। मैं थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को कि मेरी फर्ज बनता है आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाना। देखो ये सिटील का बोल्ट होता है, सिटील का इसलिए होता है ये ताकि ये जंग ना पकड़े, और सारा काम जो है ना वो इसकी होती है इसकी। तो इसमें दो पैटर्न का आता है, एक आता है ब्रास का, दूसरा आता है सिटील का। और ये जो नट है इसको हम पहले ये लगा के रखते हैं, ये वाला नट मैं थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को। करना क्या है कि इस तरीके से हमने इसको लगा के रखा, ज्यादा टाइट नहीं करना है, अगर आपने ज्यादा टाइट किया तो आप परेशान हो जाओगे। अब क्या कर रहे हैं, मुझे इसके अंदर डालना है। ये काम कैसे करेगा, जब मैं यहां से टाइट करूंगा, इस वाले आउटर साइड से जब मैं इसको टाइट करूंगा, ये जो बोल्ट है ये अंदर खींच के आएगा, ये टाइट हो जाएगा और ये खुद खुल जाएगा, ये वाला तरीका ये जो है ये खुल जाएगा। तो हैंग क्या होगा कि ये गीजर बोल्ट वापस नहीं आएगा। इसको मैं इसको मैं निकाल सकता हूं। मैं थोड़ा समझाता हूं आप लोगों को इसकी गेम अच्छे से। इस तरीके से इसको हल्का सा हमें मारना होगा, ज्यादा मारने से आप लोग परेशान हो सकते हो। तो इस तरीके से अब क्या करना है कि हमें टाइट करना है इसको। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, इसको हम खोल भी सकते हैं आराम से। ज्यादा टाइट करने के लिए हमें फिर दो सिलाई रेंज की जरूरत पड़ेगी प्रॉपर टाइट करने के लिए, वो भी मैं समझाता हूं कैसे। ये मैंने इस हिसाब से पकड़ना है, समझो ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे मुड़ाना है। क्योंकि इस तरीके की ट्रिक्स हमेशा नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये मैंने हैंग किया, अब जितना मर्जी है इसको मैं खींचू ये नहीं निकलेगा, खींचने से नहीं निकलेगा। हाँ, टर्न करने के बाद मैं इसको खोल सकता हूं, उसके बाद मैं फिर से इसको वापस लगा सकता हूं। ये रियलिटी है इस वाले बोल्ट का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आया होगा समझ। अब मैं इस पे गीजर लटका दूंगा, अब गीजर लटकाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमने अब इसके ऊपर गीजर इंस्टॉल किया, नाउ वी आर ट्राइंग द हैंगिंग ट्राई। अब मैं इसके एल्गोरिथम समझाता हूं, गीजर का एल्गोरिथम भी समझाता हूं मैं आप लोगों को प्रॉपरली। जरा यहां पे आइएगा थोड़ा। तो करना क्या है कि इनको फुट दिखा दीजिएगा मेरा, मैं हैंग होऊं या नहीं होऊं, झूठ तो नहीं बोलूंगा। ये चेक कर लो, पूरा वेट मैंने इसमें डाला अपना, कंप्लीटली वजन। फिर से मैं ट्राई कराता हूं, इसके पीछे राज जो है वो मैं बताता हूं। ये जो लोड होता है ना सारा, ये दो जो वाले नीचे वाले दो क्लिप्स जो है ना,
इस पे बियर होता है। अगर हम नीचे से उठाने चाहेंगे तो नीचे से उठ सकता है, नीचे से उठेगा, लेकिन ऊपर से ये लोड करेगा, हैंगिंग लोड जिसको मैं कहूं, हैंगिंग लोड ये पकड़ता है। सेम कंडीशन इसके अंदर होता है जो वॉल है, कमोड होता है हमारा, उसके अंदर भी हैंगिंग लोड पकड़ता है, लेकिन अगर हम पुश करेंगे उसको नीचे से, वो उल्टा निकल के आएगा। याद रखिएगा ये चीज, ये ट्रिक्स कोई नहीं दिखाएगा विदाउट किफायत जी, आपने फॉलो कर लीजिएगा जरूर।